अंकल अंकल बात तो सुनिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम तो अपने अंकल से बात कर रहे थे ना। अंकल तो मैंने आपको कहा। मैं तो तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। वो मेरा मतलब आप मेरे अंकल जैसे ही तो हो। मेरा ख्याल है मेरा कोई हम शक्ल नहीं है। हम शक्ल? अभी तुमने कहा ना मैं तुम्हारे अंकल जैसा हूँ। ओ अंकल, मेरा नाम जेम्स है और ये मेरा बॉन्ड है। ओ जेम्स बॉन्ड, तो क्या तुम किसी मिशन पर आए हो? देखिए अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज। तुम्हारी माँ है कैसी? बोला तो सही, बीमार है। वो देखने में कैसे लगती है? अंकल देखिए, मैं जेम्स हूँ और ये मेरा बॉन्ड 1500 रुपए का, मैं आपको 300 रुपए में दे रहा हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज। ठीक है, ये बॉन्ड मुझे दे दो, जब ये खुलेगा तो 300 रुपए ले जाना। लेकिन अंकल मुझे पैसों की अभी जरूरत है। तूने भगवान अंकल पे हाथ उठाया कैसे? ऐसे। अच्छा ऐसे। बच्चा। ओए, तू शर्म नहीं आती? बाप की उम्र के आदमी पे हाथ उठाता है? अरे शर्म तो इसे आनी चाहिए। अच्छा बच्चू, धुलाई तू कर रहा है, शर्म इनको आनी चाहिए? ये है ही मार के काबिल। हाँ ये बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्या? कान में बताता हूँ जो इसने बोला। अंकल तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी गंदी गंदी बातें करते हुए? फिर भाई मैं तो इसकी माँ को सहारा देने की बात कर रहा था, इसमें शर्म की क्या बात है? खुद को तो सहारा दे नहीं सकते, इसकी माँ को क्या सहारा दोगे तुम? घर जाओ, चलो। भाई ये मेरे पास 1500 रुपए का प्राइस बॉन्ड है, ये 300 रुपए में दे रहा हूँ, बहुत जल्द खुलने वाला है। हाँ तो जल्द खुलने वाला है तो तू मुझे क्यों दे रहा है? मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। सोच क्या रहा है पप्पू, आज का दिन तेरे लिए बहुत लकी है, ले ले बॉन्ड, कल तू लखपति बन जाएगा रे। चल ठीक है, मैं बॉन्ड ले लेता हूँ। एक मिनट पर यार, मेरे पास 100 रुपए हैं, तू एक काम कर, ये 100 रुपए पकड़, मैं बाकी के लेके आता हूँ, जाना मत, अभी आ रहा हूँ। क्या करके दोगी? भाई भाई जरा 100 रुपए उधार देना। यार उससे बड़ा ढीठ मैंने ना आज तक नहीं देखा। क्यों भाई, आपने आईना देखना बंद कर दिया क्या? बकवास बंद कर यार। अरे भाई मेरा टाइम वेस्ट मत करो यार, 100 रुपए दे दो जल्दी से उधार। ये देखो, उधार तो ऐसे मांग रहा है जैसे मैंने इससे उधार लिया और 100 साल दिए नहीं। भाई ताने मत मारो यार, पैसे दे दो ना। भाभी आप भी 100 रुपए दीजिए। चाय पी ले। अरे चाय नहीं पीनी मुझे यार, 100 रुपए दे दो ना। किस लिए चाहिए तुझे 100 रुपए? बॉन्ड खरीदूंगा। बॉन्ड? पप्पू तू नशा करने लगा है? अरे मैं उस बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं प्राइस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। 1500 रुपए का प्राइस बॉन्ड सिर्फ 300 रुपए में मिल रहा मुझे। पप्पू, अरे कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है पप्पू। ओहो, अरे यार आप लोग क्या कर रहे हो यार, आपसे उधार ही तो मांग रहा हूँ, उधार दे दो वापस कर दूंगा। पप्पू पप्पू तू शॉर्टकट से कमाने के चक्कर में मत रहे, मेहनत से कमा, मेहनत से कमाए हुए पैसों के अंदर बहुत ताकत होती है। शर्म करो नंदू। शर्म नहीं, मेहनत करो। अरे यार जल्दी करो ना यार। भाई 100 रुपए दो। क्या बकवास कर रहा है यार, पूरे हफ्ते की कमाई है मेरी 100 रुपए, 100 रुपए पॉकेट मनी देती है मुझे, तुझे दे दूंगा तो इस हफ्ते के पॉकेट मनी गई मेरी। अरे यार आप लोगों के चक्कर में मैं मारा जाऊंगा। क्यों यार, तेरी जान को खतरा है क्या पप्पू? किस्मत को खतरा भाई, किस्मत को। यार 100-100 रुपए दे दो, मेरा बॉन्ड नहीं निकला ना तो 100 के 300 वापस करूंगा। वादा? वादा ना भाई। ठीक है पक्का वापस करेंगे ना पैसे? पक्का वादा, पक्का। भाई 100 रुपए दो। हाँ फिर ठीक है, ये लो पप्पू। देख भाई अपने वादे से मुकरना मत, हां 1 का 3। नहीं मुकरूंगा, नहीं मुकरूंगा, कैसा फटा सड़ेला सा नोट दिया यार, कंगाल आदमी। लो ये ले तेरे बाकी के 200 रुपए। अच्छा सुन, ये बस सोचे कि बॉन्ड के लालच में दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि तेरी माँ बीमार है, अब जल्दी से जा उनका इलाज करा, और सुन और इलाज किसी महंगे हॉस्पिटल में कराइयो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला।
4204 9211 11 11 खुल गया। क्या खुल गया? कौन सा खुल गया यार? तुम खुश हो रहे इतना? न्यूज पेपर तो देखो भाई। अबे नया न्यूज पेपर खुला है क्या? लेकिन तू इतना क्यों खुश हो रहा है? अरे भाई, इस न्यूज पेपर के एक पेज के अंदर एक नंबर है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पप्पू? हर न्यूज पेपर के पेज पे एक नंबर होता है। इसमें बॉन्ड का नंबर है। क्या, बॉन्ड का नंबर? यू मीन जेम्स बॉन्ड? God is really hot man. पप्पू उसका नंबर ले दे, अब मैं ना उससे बात करूंगी यार। मुझसे बात नहीं करोगी चांदनी? क्यों क्यों बात नहीं करूंगी मैं? क्योंकि ये मेरे शान के खिलाफ है। शान के खिलाफ? ये शान और जेम्स बॉन्ड का कुछ लफड़ा है क्या? शान और जेम्स बॉन्ड का नहीं है। Shut up, quiet, big room, silence, finger on your lips. अरे भाई, इसमें बॉन्ड का नंबर है 4209211, मिला लो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ भाई? भाई भाई मुझे जरा हिलाओ। अरे भाई, इतनी जोर से हिलाने को नहीं बोला था। भाई हम लोगों का 5 करोड़ का इनाम निकला, 5 करोड़ का। चांदनी, मैंने सोच लिया है, मैंने बड़ी वाली कार लूंगा, बड़ी वाली। और मैं ना नंदू एक अच्छा सा डायमंड सेट लूंगी और फिर बाद में नौकरी छोड़ दूंगी। आए दिन बहार के। तुम लोगों की कोई लॉटरी वॉटरी निकली है क्या? पप्पू बॉन्ड निकला है हमारा, बॉन्ड। अच्छा, तुम लोगों का भी बॉन्ड निकला? क्या मतलब पप्पू? मतलब ये कि बॉन्ड तो मेरा निकला है ना। पर पप्पू वो बॉन्ड हमारा भी तो है। हाँ? जी बात है। कैसे? तुम मजाक कर रहे हो ना पप्पू? ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, और वैसे भी मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छे जी, मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। पप्पू तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड सिर्फ तुम्हारा है? जी हाँ, बिल्कुल यही मतलब है मेरे कहने का। एक मिनट, 100 रुपए उसमें मैंने भी दिए थे। और मैंने भी दिए थे। उधार लगे थे ना, वापस ले लेना। बकवास मत कर पप्पू, समझा? खामोश। मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। घटिया आदमी। अपनी बीवी से कहो कि मुझसे तमीज से बात करे, मुझे बदतमीज औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। 5 करोड़ का मालिक हूँ मैं, 5 करोड़ का। एहसान फरामोश, हमने तुझे खिलाया पिलाया और आज तू चश्मे के अंदर से हमें आंखें दिखा रहा है। बिल बना लेना, अभी मेरे पास चिल्लड़ नहीं है। छोटू जा दरवाजा खोल। जी सर। नंदो, तुम क्या इसके नौकर हो? मैं क्या तेरा नौकर हूँ? आखिरी बार दरवाजा खोलने जा रहा हूँ और तुझे तो मैं खोल दूंगा नौकर। क्या बात है बोल, अब खुल गया? तुम पहले कहाँ बंधे हुए थे? अरे भाई, वो खुल गया या नहीं? वो खुल गया नहीं, जाके उस गधे से पूछो जो पहले बंधा हुआ था और अब खुल गया। मुझसे मत पूछो। मैं प्राइस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मोहल्ले के गरीबों को ये बात पता चल गई है, खुल गया गरीब आदमी। कितने का? क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं? अरे भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। सी ओल्ड मैन, अभी मैंने दान दक्षिणा देना शुरू नहीं किया। जब मैं दान देना शुरू करूंगा ना, तुम्हें पूरे 25 रुपए दूंगा। मुझे दान नहीं चाहिए। हाँ तो दक्षिणा भी तुम ही ले लेना, पड़ोसियों का थोड़ा सा ख्याल मैं भी रखना चाहता हूँ बेटा। अरे भाई, मुझे सिर्फ 50 लाख चाहिए। 50 लाख? अंकल, 50 लाख खर्च करने जितनी तो तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बची। अरे मैं वापस कर दूंगा ना। जब मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं तो तुम वापस कैसे करोगे? क्यों वापस नहीं दोगे भाई, क्यों? चलो, मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा एक एक सेकंड कीमती है। और वैसे भी मैं तुम जैसे गरीबों के मुंह नहीं लगता। चलो निकलो। तो अमीरों के मुंह लगो, जाओ।
पप्पू ये तू ठीक नहीं कर रहा है मेरे भाई। तुझे इससे क्या मतलब है बे? पप्पू बड़ा भाई हूँ तेरा। अब याद आया? अरे नहीं नहीं, मुझे बचपन से याद था कि तू मेरा छोटा भाई है। अच्छा, उस वक्त ये बड़ा भाई कहाँ था जब तुम्हारी बदतमीज बीवी मुझे ताने मारा करती थी, डांटा करती थी, और तुम खामोश उस सोफे पे बैठकर केला खाया करते थे। दौलत की चमक ने तुझे अंधा कर दिया रे। चुप कर बे, फोन के रिश्तों को भूल गया। बहुत फिल्मी लाइन है। मुझे भी लग रही थी, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, राइटर ने इतनी घटिया लाइन लिखी है इस एपिसोड के अंदर, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, वैसे मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ। यार एक बार बता तो दिया होता। यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग में पेंट हाउस लेने वाला। यार पेंट हाउस क्यों ले लिया? मुझे सीढ़ियों पर चढ़ना अच्छा नहीं लगता यार। अबे गधे, पेंट हाउस में लिफ्ट होती है, सीढ़ियां नहीं होती। और वैसे भी तुझे वहां लेके कौन जाएगा? अबे रामू तो मैंने पहले से ही बुला रखा है। दम घुटता है मेरा इस घर में यार, छोटा सा घर, कंजस्टेड सा, कैसे रह लेते हो तुम लोग इसमें? बस किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं जी। चुप करो नंदू, मुंह मत लगो इस घटिया आदमी से। हाँ मैं घटिया हूँ, क्योंकि गरीबों को अमीर आदमी घटिया ही लगता है। पप्पू तो कैसी बातें कर रहा है यार, क्या नहीं किया यार हमने तेरे लिए? क्या किया? क्या किया? अरे कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने मेरे लिए, एक शादी तक तो करा नहीं पाए मेरी। लेकिन अब मैं खुद चार पांच गोरियों के साथ शादी करूंगा। चार पांच गोरियों के साथ? हाँ, और तू सड़ना अपनी इस काली के साथ। पप्पू बकवास बंद करो, मेरे भाई के साथ बदतमीजी से बात मत करो। पप्पू चल हम दोनों अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, छोड़ इस काली को यहीं पे। नंदू तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया, इडियट्स कहीं के। बस यार बस, जा रहा हूँ मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर। और सुनो, कभी पैसे की जरूरत हो ना तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, और जिंदगी रही तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। जा रहा हूं मैं इस कबूतर खाने को छोड़ के। छोटे छोटे सोफे, छोटा सा टीवी, छोटी सी टेबल, हर कुछ तो छोटा ही है यार। देखना अपने घर का बाथरूम भी तुम्हारे इस घर से बड़ा बनाऊंगा। पप्पू एक बार और सोच ले यार। तुम सोचो पप्पू। अरे मैंने तो सोच लिया है, साथ को ले चल नंदू, कि यहीं रहूंगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।